आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं सीजी व्यापम के द्वारा लिया गया सब इंजीनियर एग्जामिनेशंस जो हुआ था सितंबर 2018 में, उस क्वेश्चन पेपर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस का। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। माय नेम इज अंशुल, स्वागत है आपका आरोहण में। इस वीडियो को देखने के बाद आपको अगर हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करें। आगे और भी ऐसी इन्फॉर्मेशंस पाते रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकॉन को क्लिक करना ना भूलें। इसी क्वेश्चन पेपर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का सॉल्यूशन हमने प्रीवियस वीडियो में प्रोवाइड किया हुआ है, जिसका लिंक यहाँ आई बटन में फ्लैश हो रहा है। इस लिंक में क्लिक करके डायरेक्टली आप उस वीडियो की तरफ जा सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं का फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8, इलेक्ट्रिकल सेट बी। द फुल लोड कॉपर लॉस एंड आयरन लॉस ऑफ ए ट्रांसफार्मर आर 6400 वॉट एंड 5000 वॉट रिस्पेक्टिवली। द कॉपर लॉस एंड आयरन लॉस एट हाफ लोड विल बी ऑप्शन ए 3200 वॉट एंड 2500 वॉट, ऑप्शन बी 3200 वॉट एंड 5200 वॉट, ऑप्शन सी 1600 वॉट एंड 1250 वॉट एंड ऑप्शन डी 1600 वॉट एंड 5000 वॉट। सो एज पर इन दिस क्वेश्चन वी हैव गिवन द फुल लोड कॉपर लॉस ऑफ 6400 वॉट एंड फुल लोड आयरन लॉस ऑफ 5000 वॉट। सो वी नीड टू फाइंड द कॉपर लॉस एट हाफ लोड एंड आयरन लॉस एट हाफ लोड। सो देखिए यहां पर हमारे पास इस क्वेश्चन के लिए चार ऑप्शन में दिया हुआ है। तो जब भी हम कोई एमसीक्यू क्वेश्चन हम सॉल्व करने के लिए जाते हैं तो हमें यह ध्यान में रखना होता है कि कितना जल्दी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो यहां पर देखिए मैं आपको यहां पर बताता हूं कि कैसे फास्ट तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं विद इन ए फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड। तो यहां पर देखिए इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो है वो है रिगार्डिंग आयरन लॉस, कि जो आयरन लॉस होता है वो होता है कॉन्स्टेंट लॉस। आयरन लॉस क्या होता है? आयरन लॉस होता है कॉन्स्टेंट लॉस। इसका मतलब ये होता है कि लोड में चाहे जितना भी वेरिएशन हो, लोड चाहे फुल लोड हो, लोड चाहे हाफ लोड हो, लोड चाहे 1/4 ऑफ द फुल लोड हो, लोड चाहे 3/4 ऑफ द फुल लोड हो, किसी भी फ्रैक्शन ऑफ अमाउंट ऑफ द फुल लोड के लिए आयरन लॉस जो होगा वो चेंज नहीं होगा। आयरन लॉस कॉन्स्टेंट लॉस होता है फ्रॉम फुल लोड टू नो लोड, और वी कैन से फ्रॉम नो लोड टू फुल लोड विल बी देयर। ओके, सो यहां पर आयरन लॉस क्योंकि कॉन्स्टेंट लॉस होता है, तो यदि आयरन लॉस फुल लोड पे 5000 वॉट है तो आयरन लॉस हाफ लोड पे कितना हो जाएगा? ये भी हो जाएगा 5000 वॉट। तो दिए हुए ऑप्शन में हम चेक कर सकते हैं कि किस ऑप्शन में हमारे पास आयरन लॉस 5000 वॉट है। तो ऑप्शन डी जो है, ऑप्शन डी है, हमें देख सकते हैं यहाँ पर इसके लिए हमारा आयरन लॉस दिया हुआ है 5000 वॉट। सो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी फॉर दिस क्वेश्चन। यदि मुझे इस क्वेश्चन को विद इन अ फ्रैक्शन सॉल्व करना है तो मैं यहाँ से सॉल्व करके आगे बढ़ जाऊँगा, मैं कॉपर लॉस नहीं निकालूंगा यदि मुझे कॉन्सेप्ट मालूम है तो। ओके, यदि मान लीजिए इसमें किसी ऑप्शन में यदि यहाँ पर आयरन लॉस किसी और ऑप्शन में यदि यहाँ पर 5000 वॉट होता तो वहाँ पर फिर हमें कॉपर लॉस निकालना पड़ जाता, पर चूंकि यहाँ पर सिंगल ऑप्शन में 5000 वॉट जो हमारा आयरन लॉस निकलेगा फुल लोड में निकल मार दिया हुआ है ऑप्शन में, तो यही हमारा आंसर रहेगा। तो डायरेक्टली आई कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम एंड आई कैन प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, बट आई विल गिव यू द कंप्लीट सॉल्यूशन फॉर दिस प्रॉब्लम। नाउ सी, अब हमने आयरन लॉस तो निकाल लिया, फुल हाफ लोड के लिए हमको मिल जाएगा 5000 वॉट। अब कॉपर लॉस की यदि हम बात करें, टू फाइंड द कॉपर लॉस फॉर एनी अमाउंट ऑफ द लोड आई विल गिव यू वेरी बेसिक कॉन्सेप्ट। आप उस कॉन्सेप्ट को बिल्कुल अपने माइंड में सेट कर लीजिए, तो उस कॉन्सेप्ट के बेसिस पर आप किसी भी अमाउंट के लोड के लिए कॉपर लॉस निकाल सकते हैं। देखिए वो कॉन्सेप्ट क्या है, कॉपर लॉस एट एनी फ्रैक्शन x, फ्रैक्शन को डिनोट कर रहा हूं मैं x से, फ्रैक्शन ऑफ फुल लोड इक्वल टू फुल लोड कॉपर लॉस इनटू x का स्क्वायर। x का स्क्वायर मतलब फ्रैक्शन का स्क्वायर। अब आपके मन में डाउट आ रहा होगा कि ये x की वैल्यू क्या है या x क्या है, तो देखिए यहां पर जब भी आपको क्वेश्चन में हाफ लोड दिया है
तो x की वैल्यू 1/2 हो जाएगी। यदि हमको दिया है 3/4 ऑफ द फुल लोड तो x की वैल्यू 3/4 हो जाएगी। यदि हमें दिया हुआ है 1/4 ऑफ द फुल लोड तो x की जो वैल्यू होगी वो 1/4 हो जाएगी। तो कहने का मतलब ये है कि जो x है ये अमाउंट ऑफ द फुल लोड है। ओके, जैसे इस क्वेश्चन के लिए हमको निकालना है कॉपर लॉस एट हाफ लोड, तो x की वैल्यू जो हो जाएगी वो हो जाएगी 1/2। तो हम निकाल सकते हैं यहाँ पर कॉपर लॉस एट हाफ लोड विल बी इक्वल टू फुल लोड। जो कॉपर लॉस जो है ये हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है 6400 वॉट, एंड फ्रैक्शन जो x है ये हो जाएगा यहाँ पर 1/2 का स्क्वायर। हम इसको सॉल्व करेंगे 6400 इंटू 1/2 का होल स्क्वायर बिकम दी 1/4। हम इसको रिजोल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 1600 वॉट। तो कॉपर लॉस निकलेगा हाफ लोड पे 1600 वॉट। तो यहाँ पर कॉपर लॉस भी निकल गया और आयरन लॉस तो हमने पहले ही निकाल लिया था। ओके, सो ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसको आप अपने नोट्स में नोट कर सकते हैं, किसी भी अमाउंट ऑफ द लोड के लिए हम कॉपर लॉस इस कॉन्सेप्ट से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए जो हमारा आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 123। ए सिंक्रोनस अल्टरनेटर इज फीडिंग ए जीरो पावर फैक्टर लैगिंग लोड एट रेटेड करेंट, द आर्मेचर रिएक्शन इज ऑप्शन ए मैग्नेटाइजिंग, ऑप्शन बी डी मैग्नेटाइजिंग, ऑप्शन सी क्रॉस मैग्नेटाइजिंग, एंड ऑप्शन डी इन इफेक्टिव। सो एज पर दिस क्वेश्चन, अब देखिए यहाँ पर हमें बोला हुआ है सिंक्रोनस अल्टरनेटर इज फीडिंग ए जीरो पावर फैक्टर लैगिंग लोड एट रेटेड करेंट, द आर्मेचर रिएक्शन इज। तो पहले इस क्वेश्चन को हम समझ लेते हैं कि एक्चुअल में ये क्वेश्चन क्या है और कौन से टॉपिक का ये क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ पर ये मेंशन किया है सिंक्रोनस अल्टरनेटर, मतलब ये जो क्वेश्चन आया हुआ है ये आया हुआ है इलेक्ट्रिकल मशीन, जो हमारा एसी मशीन होता है, एसी जनरेटर, या उसको हम बोल सकते हैं अल्टरनेटर, या हम बोल सकते हैं सिंक्रोनस जनरेटर। तो यहाँ जो वर्ड आ रहा है सिंक्रोनस अल्टरनेटर, तो यहाँ बोल रहा है सिंक्रोनस अल्टरनेटर इज फीडिंग ए जीरो पावर फैक्टर लैगिंग लोड। लोड कैसा है यहाँ पर, एक लैगिंग लोड है, वी हैव ए जीरो पावर फैक्टर लैगिंग लोड एट रेटेड करेंट बोल रहा है। क्या बोल रहा है, एट रेटेड करेंट द आर्मेचर रिएक्शन इज। तो यहाँ पर हमें पहले ये समझना होगा कि ये एक आर्मेचर रिएक्शन क्या होता है। देखिए आर्मेचर रिएक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन सिंक्रोनस मशीन। यदि हम बात करें तो आर्मेचर रिएक्शन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और ये एक बहुत ही लास्ट टॉपिक है, एक बहुत ही बड़ा टॉपिक है। इस टॉपिक को जब हम डिटेल वे में डिस्कस कर लेते हैं, इसको अच्छे से समझ लेते हैं, चाहे वो सिंक्रोनस जनरेटर हो या सिंक्रोनस मोटर हो, तो कोई भी क्वेश्चन जब इस टॉपिक से आता है तब हम उसको बहुत ही ईजी वे में सॉल्व कर सकते हैं। तो जो भी कैंडिडेट्स को ये टॉपिक बिल्कुल क्लियर होगा रिगार्डिंग द आर्मेचर रिएक्शन ऑफ ए सिंक्रोनस अल्टरनेटर, तो उनके लिए इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, दे कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन इन ए फ्रैक्शन ऑफ सेकंड। बट फिर भी बिकॉज आई विल गिव ए कंप्लीट सॉल्यूशन फॉर दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम, सो आई विल टेल यू इन ब्रीफ अबाउट द आर्मेचर रिएक्शन टू सॉल्व दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम। देखिए आर्मेचर रिएक्शन क्या होता है, आर्मेचर रिएक्शन यदि हम बात करें तो सिंक्रोनस अल्टरनेटर जो होता है, यदि हम बात करें सिंक्रोनस जो अल्टरनेटर होता है इसके मेनली टू पार्ट्स होते हैं, एक होता है आर्मेचर और दूसरा होता है फील्ड। तो बेसिकली एक होगा आर्मेचर वाइंडिंग और दूसरा होगा फील्ड वाइंडिंग। तो वाइंडिंग जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ तो आर्मेचर वाइंडिंग होगा और फील्ड वाइंडिंग होगा। तो आर्मेचर वाइंडिंग में जो फ्लक्स प्रोड्यूस होगा उसको हम बोलेंगे आर्मेचर फ्लक्स, और फील्ड वाइंडिंग में जो फ्लक्स प्रोड्यूस होगा उसको हम बोलेंगे फील्ड फ्लक्स। ओके, सो इन दोनों फ्लक्सेस का जो इंटरेक्शन होता है उसी को हम आर्मेचर रिएक्शन बोलते हैं। सो वी कैन डिफाइन व्हाट इज आर्मेचर रिएक्शन। आर्मेचर रिएक्शन इज नथिंग बट इट इज द इंटरेक्शन ऑफ द टू फ्लक्सेस, व्हिच इज वन कॉल्ड ए आर्मेचर फ्लक्स एंड सेकंड वन इज द फील्ड फ्लक्स। ओके, सो नाउ दिस मच इज सफिशियंट टू सॉल्व दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम। नाउ सी नेक्स्ट, अब यहाँ पर बोल रहा है सिंक्रोनस अल्टरनेटर इज फीडिंग ए जीरो पावर फैक्टर लोड। नाउ टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम वी हैव टू ड्रॉ इट्स
you can see it's vector diagram. So if I'll draw here, then you can see this is the induced EMF is produced in a synchronous generator here, and because we have a zero power factor lagging load, so on that condition this is the armature flux and this is the field flux will be there. So because this is lagging behind this induced EMF, we can draw this is the armature current itself. So this is lagging behind the induced EMF, so that's why we can say this is for the zero power factor lagging load. So now in this condition you can see the resultant flux जो हमको यहाँ पर मिलेगा, this is given as the phi up minus phi a. This is given as the phi up minus phi a. तो हमको यहाँ पर दिख रहा है कि जो आर्मेचर फ्लक्स है ये फील्ड फ्लक्स का 180 डिग्री फेस अपोजिशन है यहाँ पर. तो जो रिजल्टेंट फ्लक्स होगा उसका जो अमाउंट होगा वो डिक्रीज हो जाएगा. क्या हो जाएगा? डिक्रीज होगा. बिकॉज ऑफ दिस सिंक्रोनस जनरेटर इज फीडिंग पावर टू ए लैगिंग लोड इज हियर. सो जो इफेक्ट की यदि मैं बात करूं कि जो आर्मेचर रिएक्शन का क्या इफेक्ट होगा, क्योंकि यहां पर जो आर्मेचर फ्लक्स है ये मेन फील्ड फ्लक्स को अपोज कर रहा है, इसकी वजह से जो रिजल्टेंट फ्लक्स होगा वो डिक्रीज हो जाएगा. इसलिए जो इफेक्ट होगा वो इफेक्ट होगा हमारा यहाँ पर डीमैग्नेटाइजिंग. तो जो इसका आंसर होगा वो होगा डीमैग्नेटाइजिंग. सो आर्मेचर रिएक्शन विल बी डीमैग्नेटाइजिंग while synchronous alternator is feeding power to a zero power factor lagging load. Okay, so this is the solution for this problem. But additionally, I will give you some important points relating to this particular problem. तो यहाँ पर देखिए, जब synchronous generator एक zero power factor जो हमारा लैगिंग लोड है उसको सप्लाई दे रहा है, तो यहाँ पर जो आर्मेचर रिएक्शन होगा वो क्या हो जा रहा है, दिस बिकम ए डीमैग्नेटाइजिंग. इसकी वजह से जो हमारा टर्मिनल वोल्टेज होगा वो भी क्या हो जाएगा, वो डिक्रीज हो जाएगा. बट सिंक्रोनस जनरेटर के लिए टू ऑपरेट ए सिंक्रोनिज्म मैनर द टर्मिनल वोल्टेज हैज टू बी कॉन्स्टेंट. द टर्मिनल वोल्टेज हैज टू बी constant. Now to maintain this terminal voltage constant, now we have to increase the excitation of a synchronous generator. So now we need to operate a synchronous generator in a over excitation manner to maintain this terminal वोल्टेज. तो यहाँ पर हम एक और पॉइंट बोल सकते हैं कि जब सिंक्रोनस अल्टरनेटर एक जीरो पावर फैक्टर लोड पे लगा होगा, उस कंडीशन पे जो आर्मेचर रिएक्शन होगा वो डीमैग्नेटाइजिंग होगा, एंड जो हमारा सिंक्रोनस अल्टरनेटर है दैट हैज टू बी ओवर एक्साइटेड टू मेंटेन दिस टर्मिनल वोल्टेज कॉन्स्टेंट. ये ध्यान रखिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. So in this manner, this synchronous alternator will be overexcited. तो जिस प्रकार से इस particular problem में हमारे पास एक lagging load के लिए बोला है, हम leading load के लिए भी निकाल सकते हैं. उस condition पर ये पूरा जो concept है ये reverse हो जाएगा. यदि इस particular problem में zero power factor leading load बोला होता, यदि इस problem में यहाँ पास हमको बोला होता zero power factor लीडिंग लोड, तो यहाँ पर जो पूरा इफेक्ट है ये रिवर्स हो जाता. उस कंडीशन पर जो आर्मेचर रिएक्शन होता वो हो जाता मैग्नेटाइजिंग, और जो सिंक्रोनस अल्टरनेटर होता दैट हैज टू बी वर्क ऑन ए अंडर एक्साइटेशन. दैट हैज टू बी वर्क इन ए अंडर एक्साइटेशन टू मेंटेन सेम द टर्मिनल वोल्टेज. तो ये एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है. एक इसमें बहुत सारे पॉइंट्स निकल के आते हैं. आई कैन ड्रॉ ए डिफरेंट वेक्टर डायग्राम एंड डिफरेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए सिंक्रोनस अल्टरनेटर फॉर यूनिटी पावर फैक्टर लोड, फॉर जीरो पावर फैक्टर लैगिंग लोड, फॉर जीरो पावर फैक्टर लीडिंग लोड, फॉर सम अमाउंट ऑफ द लीडिंग और लैगिंग लोड फॉर सिंक्रोनस अल्टरनेटर, एज वेल एज आई कैन ड्रॉ द सेम द इफेक्ट ऑफ आर्मेचर रिएक्शन फॉर सिंक्रोनस मोटर, फॉर यूनिटी पावर फैक्टर, फॉर जीरो पावर फैक्टर लीडिंग और लैगिंग लोड, और फॉर सम फ्रैक्शन अमाउंट ऑफ द लीडिंग और लैगिंग पावर फैक्टर. सो दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एज वी कैन से इन टर्म्स ऑफ प्रिपरेशन फॉर द इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन, गेट एग्जामिनेशन एंड PSU एग्जामिनेशन एंड डिफरेंट स्टेट इंजीनियरिंग एग्जामिनेशन. दिस इज ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक.
फॉर सिंक्रोनस मशीन। इफ यदि आप मुझसे बोलेंगे यदि मैं इसको डिटेल एनालिसिस करने के लिए जाऊं तो आई नीड एटलीस्ट 1.5 आवर्स, कम से कम 1.5 घंटे लगेंगे इस टॉपिक को डिटेल वे में समझाने के लिए। लेकिन जब मैं आपको एक बार इसको कंप्लीट वे में समझा दूंगा तो इस टॉपिक से आप कोई भी क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे से बना पाएंगे। ओके, सो आई होप इन फ्यूचर विल प्रोवाइड सम ऑफ द टॉपिक, some of the video regarding this topic, so you'll get the more beneficial for different examination. So, but now for this particular problem, we have the answer is option B, demagnetizing effect of armature reaction while a synchronous generator is operating on the zero power factor, lagging load is there. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज कंसिडर सब्सक्राइबिंग। Thank you for watching. Hope to see you in our next video. Till then, take care, guys.